हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कंसेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई, आपसे यहाँ जुड़ने का कारण है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है जो आप सभी लोगों के मन में बहुत समय से चल रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में ये डाउट चल रहा है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो बनाने के बाद आपका वो डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब वो वीडियो क्या है, तो भाई सामने आपके सामने एक आपको दिख रही होगी न्यूज़पेपर की कटिंग, ये आपको दिख रही होगी जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी व भिवाणी के युवाओं के लिए आवेदन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वहाँ के आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप कहोगे ये चीज़ जो है वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इस कटिंग में आपको एक चीज और पता चल जाएगी कि आर्मी की अब की बार जो भर्ती रखी होगी उस भर्ती में उम्र कितनी रखी जाएगी, आयु सीमा क्या रहेगी, क्या आयु सीमा रहेगी, किन बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। ये जो बात है ये एक पुख्ता बात है, कोई झूठी बात नहीं है। और इसमें आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अब की बार इन सारे एआरओ में 1 अक्टूबर 2003 से 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच के युवाओं को ही फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर की कटिंग के रूप में है, ये यही बता रही है 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007, यानी कि 1 अक्टूबर, आप सभी लोगों को मैं फिर से बता देती हूँ, 1 अक्टूबर 2003 से लेके और 30 अप्रैल 2007 इसके बीच में अगर कोई बच्चा है वो बिल्कुल इंडियन आर्मी के फॉर्म अब की बार लगा सकेगा, उस बच्चे को मौका मिलेगा आर्मी में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का। लेकिन जो बच्चा इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहा है, क्योंकि अपने YouTube पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते रहते हैं, जब भी हर कोई वीडियो होती है उसके नीचे कमेंट देखने को मिल जाते हैं, बार बार बच्चे पूछते भी रहते हैं कि क्या अब की बार अप्रैल 2003 वाले, मई 2003 वाले, क्या इन बच्चों को मौका मिलेगा। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, 1 अक्टूबर 2003 से पहले के जितने बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। यानी इस तारीख से पहले वाले जितने भी अपने अभ्यर्थी, अपने अग्निवीर, अपने स्टूडेंट हैं, उन सभी को मौका अब की बार आर्मी नहीं दे रही है। ये हमारी न्यूज़पेपर की ये कटिंग बोलती है और ये अपने एआरओ के निदेशक, ठीक है, निदेशक के द्वारा बात कही गई है। अब मैं आप लोगों को कहूंगी कि भाई उन बच्चों के लिए सबसे बहुत अच्छी बात है जो बच्चे इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको एक उम्मीद दिख गई कि हाँ भर्ती तो प्रक्रिया तो होगी, भर्ती तो अप्रैल से पहले पहले आ जाएगी। लेकिन अपने वो बच्चे जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन बच्चों का दिल तोड़ने वाली खबर है ये। क्योंकि भाई अगर इन बच्चों को मौका वास्तव में, ओरिजिनल नोटिफिकेशन जब आर्मी का आएगा, अगर उस नोटिफिकेशन में भी सेम टू सेम यही एज क्राइटेरिया देखने को मिला, तो सीधी सीधी बात है, जाने कितने लाखों अभ्यर्थी हमारे होंगे, कितने ऐसे अग्निवीर योद्धा हमारे होंगे जो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, जो इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि उन बच्चों को बार बार यही कह के तो गुमराह किया जा रहा था कि बिल्कुल मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा। और हमने आपको जब भी वीडियो बताई थी तो मैंने आपको यही बोला था कि भाई इस बारे में कोई भी ठप्पा नहीं लगाया जा सकता कि कितना मौका मिलेगा। अक्टूबर से पहले वाले कैंडिडेट संशय में रहेंगे जब तक इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो भाई उन बच्चों के लिए अब इस बात को, हो सकता है इंडियन आर्मी अपने नोटिफिकेशन में मौका दे दे, लेकिन हम उम्मीद के ऊपर उन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। बस मेरी ये गुजारिश है, बस इतनी इच्छा है कि बस अब की बार इन अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए, चाहे किसी भी वजह से दे दो। यानी इन बच्चों को कम से कम भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। जैसे यूपी में अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी जब आई थी तो अपने योगी जी ने उन सभी को एक उपहार दिया था, उम्र में छूट दे दी थी ताकि बच्चों को आवेदन का मौका मिले। बस हमारी इंडियन आर्मी भी एक ऐसा ही मौका दे दे अपने अभ्यर्थियों को, क्योंकि आप सभी को पता है उन्होंने तो राम मंदिर के उसमें दिया था। बस हम चाहते हैं कि उसी खुशी में हमारे योद्धाओं को भी, हमारे अग्निवीर योद्धाओं को भी मौका मिल जाए और उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उनकी उम्र को थोड़ा सा, यानी इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा घटा दिया जाए। लेकिन जो भी है, अभी तक कर्नल के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उनके द्वारा यही कहना है कि 1 अक्टूबर से 2003 से 30 अप्रैल 2007 के कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो भाई आप सभी लोगों को जिनको संशय था वो अपना संशय थोड़ा सा डाउट में रख लेंगे, अपने संशय को मतलब
क्लियर कर लेंगे और जो कैंडिडेट इस एज क्राइटेरिया के बीच में आते हैं वो सारे कैंडिडेट अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। अगर ढीले पड़े थे तो दोबारा जोश भर लीजिएगा, क्योंकि आर्मी की भर्ती बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। पता चलेगा कि आप त्योहार मना के आएंगे और आर्मी की भर्ती आपके सामने होगी। तो भाई ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए पहुंचाने के लिए हम आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़िएगा हमसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।